आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आज हमारी हेल्थ खराब हो रही है, क्यों आज की तारीख में हम अपनी हेल्थ को अच्छी नहीं रख पा रहे हैं और किस तरीके से डीएक्सएन के प्रोडक्ट हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, फायदेमंद है और कैसे हम जो है बीमारी से बचे रह सकते हैं। तो आइए देखते हैं। मेरा नाम सुहेल है, आप देख रहे हैं DXNBusiness.com। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि DXN एक्चुअली क्या है, ठीक है ना। DXN के बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं कि DXN एक प्लेटफॉर्म है जहां पर DXN हमें हेल्थ और वेल्थ ये दोनों चीजें प्रोवाइड करता है। सबसे पहली बात हम करते हैं, अगर किसी के पास हेल्थ बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा हेल्दी है, पर उसके पास पैसा बिल्कुल नहीं है तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा, वो खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि जेब में अगर पैसा नहीं है तो मजा नहीं आएगा लाइफ में। और दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा है जिसके पास बहुत सारा पैसा है पर वो बिस्तर में पड़ा है, उठ नहीं सकता है, कहीं अपना काम नहीं कर सकता क्योंकि उसे हेल्थ प्रॉब्लम है, तो क्या वो खुश रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो आज अगर हमें एक अच्छी जिंदगी जीनी है, एक हैप्पी लाइफ अगर हमें जीनी है, तो हमें ये दोनों चीजें चाहिए। पर आज की तारीख में एग्जैक्टली हो क्या रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। जब भी हम कोई काम करते हैं या कहीं पे कुछ हम अपना हुनर यूज करते हैं, तो ज्यादातर लोग जो है ना पैसा कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो जब वो पैसा कमाने के लिए जाते हैं, क्या अपनी हेल्थ के बारे में वो सोचते हैं? ये मेरा आपसे सवाल है, क्या हम अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं जब हम काम पे लगते हैं या पैसा कमाने के लिए कुछ काम करना शुरू करते हैं? तो हम अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोचते हैं, और आने वाले टाइम में जैसे जैसे पैसे आने लगते हैं हमारी हेल्थ खराब होती जाती है। तो जब हेल्थ खराब होती जाती है तो हम बोलते हैं हेल्थ गई खड्डे में, क्योंकि जब उसके लिए हम इम्पोर्टेंस फील नहीं करते हैं तो हमारी हेल्थ आने वाले टाइम में खड्डे में जाने वाली है। और एक बहुत अफसोस की बात है कि डॉक्टर्स की भी हेल्थ जब बुरी हो जाती है तो डॉक्टर्स दूसरे डॉक्टर के पास जाना स्टार्ट करते हैं। ये आज की सच्चाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है, जहां से दवाइयां आती है या जिस तरीके से हम अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर कहीं पे भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है। टेम्पररी आपको मिल जाता है पर आप बीमारी से बाहर नहीं निकल पाते हो। तो जब बाहर बीमारी से नहीं निकलोगे, जब ये हेल्थ आपकी खराब होती जाएगी, तो आने वाले टाइम में आप मुझे बताइए कि आपकी दवाइयां बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी? आप बीमारी में और आपकी कंडीशन खराब होती जाएगी। तो जो पैसा आप अपनी जिंदगी में कमा रहे हो वो हेल्थ के पीछे लगना स्टार्ट हो जाता है, और आज मॉडर्न मेडिसिन कहीं ना कहीं फेल हो रहा है हमारे को बीमारियों से बचाने के लिए, बीमारी से बाहर निकालने के लिए। तो लोग पैसा लगा देते हैं, बहुत सारे लोग अपने घर बेच देते हैं ऑपरेशन कराने के लिए, जो सक्सेसफुल नहीं भी होता है कभी कभी। तो ये जो पैसा आप कमाए हो, इतने सालों में आपने मेहनत करके जो पैसा कमाया, वो कहां डाल रहे हो? खड्डे में, सही है। उसके बाद में अगर ये दोनों आपके पास नहीं रहेगी तो आपकी लाइफ बड़ी खुशी से गुजरेगी, है या नहीं? बड़ी खुशी से गुजरेगी, हमें तो बहुत मजा आएगा, इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को, नहीं करेंगे तो हैप्पीनेस कहां गई हमारी? खड्डे में। अब जब हम किसी को बोलते हैं कि क्या आपके पास कुछ वक्त है कुछ सोचने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए, तो लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। तो टाइम भी कहां हम लगा रहे हैं? हमारा 365 डेज हमारी जिंदगी हम इस तरीके से गुजार रहे हैं, और इस तरीके से गुजारने के बाद गोल गोल घूम के हम खड्डे में जा रहे हैं। हम डीएक्सएन में क्या बोलते हैं ये चीज समझ लीजिए कि इस तरीके की लाइफस्टाइल आपको जीना है या आपको एक अच्छी क्वालिटी की लाइफ जीना है। डीएक्सएन में हम थोड़े से चीजों को चेंज करते हैं, इस ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। डीएक्सएन आपकी लाइफ के लिए एक कंप्लीट पैकेज है, ये आप देखिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मान लीजिए मैं चाय पीकर, कॉफी पीकर, कोकोसी पीकर, ऐसी चीजें अगर लेकर मैं अपनी बॉडी को हेल्दी रखता हूं और मैं बीमारी से बचा रहूंगा, ये क्यों बचा रहूंगा मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, पर आप मुझे बताइए कि चाय और कॉफी पीकर अगर मैं अपनी बॉडी को अच्छा रख सकता हूं तो मुझे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? जरूर रखना चाहिए, और कोई गलत काम नहीं कर रहा, मैं अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं आगे जो पैसा कमाऊं उसको एंजॉय कर सकूं। तो आज से, और बोला जाता है कि हमारी हेल्थ, हमारी सेहत हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम अपनी जिम्मेदारी को
नहीं पहचानेंगे, अगर हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं हाथ में लेंगे और उसके ऊपर मेहनत करेंगे, लोग क्या बोलते हैं, बीमार होऊंगा तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, मैं डॉक्टर से सलाह लूंगा। आज डॉक्टर्स भी बीमार हो रहे हैं। और दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं, लोग बोलते हैं कि बीमार होऊंगा तो देख लूंगा, तो आप मुझे ये बताइए कि आपके अगर बॉडी के अंदर नहीं होना चाहिए पर अगर कैंसर हो जाता है आप में से किसी को, तो आप मुझे बताइए जिसको कैंसर होता है वो देख लेगा कि उसके परिवार को देखना पड़ता है? तो आप ऐसी चीजें ना करिए जो आपको या आपके फैमिली को आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम दे सकता है। इसीलिए हम बता रहे हैं कि अगर चाय और कॉफी पी के हम अपनी हेल्थ अच्छी रख सकते हैं तो बुरा है क्या? जिनके पास ज्यादा पैसा है वो RGGL भी ले सकते हैं, पर चाय कॉफी पी के हम अगर अपनी हेल्थ अच्छी रखें तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर बोला जाता है खुशी हो या गम हो, ये छुपाए भी नहीं चुकती है। अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे, अगर चाय आप पीने से अगर आपको फायदा होता है, अच्छा महसूस होता है, एनर्जेटिक फील होता है, एक्स्ट्रा अगर आवर्स आप काम करते हो तो जो एक्स्ट्रा टाइम आप काम करोगे ओवर टाइम का भी एक्स्ट्रा पैसा आपको मिल सकता है। उसके अलावा DXN के अंदर जब हम अपनी हेल्थ अच्छी रखते हैं, हमें अच्छा लगता है, तो सीधी बात है कि हम अपने दोस्तों रिश्तेदारों को जरूर इसके बारे में बताएंगे। तो जब हम दोस्तों रिश्तेदारों को इसके बारे में बताएंगे तो क्या होगा, हम लोगों के घर हेल्थ पहुंचा रहे हैं। ये आप समझ लीजिए, आज की तारीख में लोग पैसा लेकर बैठे हैं पर उनके पास कुछ है नहीं जिससे वो अपनी सेहत को अच्छी रख सके। अगर आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उनकी तकलीफों को दूर कर सकता है तो क्यों नहीं बताना चाहिए? वो पैसा आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी हॉस्पिटल या किसी ना किसी मेडिसिन में खर्चा कर रहे हैं, उनकी बॉडी में बीमारी कंट्रोल हो रही है पर बीमारी जड़ से निकल नहीं रही है। DXN के प्रोडक्ट से अगर आपने किसी को दिया और बीमारी उसकी निकल जाती है। दूसरी चीज, अगर इस प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट नहीं है तो अगर मैं आज से इसको इस्तेमाल करता हूं तो कल बीमार नहीं होऊंगा। तो आप मुझे बताइए, 100% मार्केट के लिए हमारे प्रोडक्ट्स बने हैं। जिनको बीमारी है वो आज ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिनको बीमारी नहीं है वो एज प्रिवेंशन ले रहे हैं। तो ये 100% लोगों के काम की चीज है। हम वैसे बहुत सारी चीजें इधर उधर लोगों को बताते हैं, ये साबुन ले लो, वो चीजें ले लो, ऐसे करके हम लोगों को रिफर करते हैं। तो अगर हमने रिफर कर लिया तो कंपनी हमें एक रेफरल बोनस देगी, तो यानी हमें वेल्थ मिलेगा। अब रेफरल बोनस का मतलब क्या होता है, ये आप बहुत जरूरी है समझना। आप कभी भी कोई होटल में खाना खाने जाते हो, अगर आपको उस होटल का खाना पसंद आता है तो आप 10 लोगों को 20 लोगों को अपने दोस्तों को ले जाते हो, दोस्तों को बोलते हो कि ये होटल का खाना बहुत अच्छा है, आप इधर जाके इस होटल से खाना खाइए। उसी तरीके से कोई मूवी जब आप देखते हो तो उस मूवी को देखने के बाद जब आपको पिक्चर पसंद आती है, मूवी पसंद आती है, तो आप खुद दोस्तों को बोलते हो कि बहुत अच्छी मूवी है, आप इसको देखिए। इसको बोलते हैं रेफरल। पर वहां पर क्या था, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं था आपको ट्रैक करने के लिए, इसलिए कोई होटल वाला और कोई मूवी वाला या कोई थिएटर वाले ने आपको कभी आपके पॉकेट में पैसा नहीं दिया कि आपके जरिए से इतने लोग आए थे, हमारे यहाँ मूवी देखी, हम आपके जरिए से इतने लोग आए थे, हमारे यहाँ खाना खा के गए, या आपका जो है प्रॉफिट हमारे जरिए से जो आपका परसेंटेज बना है ये आप रखिए। इस तरीके का आज तक कोई सिस्टम नहीं बना था, पर DXN एक ऐसा सिस्टम है कि अंदर अगर आपने किसी को रेफर किया तो आपको कंपनी बोनस देगी, आपकी ID से ये चीजें ट्रैक होगी। अब मुझे आप एक चीज बताइए कि अगर आपको 60 रुपया मिलता है, 600 रुपया मिलता है, 6000 रुपया मिलता है, 60000 रुपया मिलता है, तो ये आपको मिल रहा है या आपका जा रहा है? रिफर करने से अगर आपको पैसा मिलता है तो DXN के प्रोडक्ट आप रिफर करिए, पर कब करना है, जब आपको ये प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, ठीक है? तो रिफर करने के लिए आप रिफर करोगे, आपको वेल्थ आएगी, आपको पैसा आएगा। तो आप मुझे बताइए कि क्या अगर आप पैसे कमाने लग जाओ तो क्या आप नहीं चाहोगे कि आपके दोस्त रिश्तेदार पहचान वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पता चले कि पैसा इसमें भी कमाया जाता है? तो जब आप किसी को वेल्थ कमाना सिखाओगे तो उनके घर का कहीं ना कहीं कुछ खर्चा अगर आप कम करते हो तो अच्छी बात है या बुरी बात है? अगर उन्हें एक्स्ट्रा इनकम आ गई और उनके लाइट का बिल या टेलीफोन का बिल या घर का राशन अगर उस पैसे से आने लग गया, DXN तक के प्रोडक्ट फ्री मिलने लग गए, उससे ज्यादा उन लोग कमाने लग गए, तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा? तो यहां पर आप देखिए कि किसी के घर हम हेल्थ भेज रहे हैं, किसी के घर हम वेल्थ भेज रहे हैं, और ये दोनों चीजें जब हम हमारे जरिए से किसी के घर जाएगी तो आपको दुआएं मिलेगी, ये दुआओं वाला पैसा है। और जब दुआ मिलती है ना तो जिंदगी बड़ी खुशहाल हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है कि मेरे वजह से किसी बंदे के हेल्थ के प्रॉब्लम में उसे सोल्यूशन मिला, मेरे वजह से किसी की गरीबी दूर होने के लिए उसे एक रास्ता मिल गया, तो हमें खुशी मिलती है। और यही खुशी हम DXN के जरिए से उनके घर में भी बांट सकते हैं, भेज सकते हैं। अब यहां जब हम देखते हैं
तो हम क्या है, हम काम पे जब जाते हैं हमारी हेल्थ बिगड़ती है, हम जब हॉस्पिटल जाते हैं हमारा जेब खाली हो जाता है, और खुशी की बात करते हैं तो ये बाजू वाले के घर में है। ये नॉर्मल लाइफ में हमें ये चीजें, ये तीनों चीजें जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमें एक छत के नीचे नहीं मिलती है। हमें हर चीज को अलग अलग जगहों पर जाके ढूंढना पड़ता है। पर DXN एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको हेल्थ, आपको वेल्थ और आपको हैप्पीनेस एक रूफ के अंदर, एक छत के अंदर मिलेगी। तो आप देखिए कि आज आप जो काम कर रहे हो, उस काम को करते हुए अगर आपने DXN को बिल्ड किया, तो आप किस तरफ जा रहे हो, किस तरीके की लाइफ की तरफ जा रहे हो, कितनी खुशी वाली लाइफ की तरफ जा रहे हो। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं हेल्थ के ऊपर, आज हम बात करेंगे। थोड़ा सा आपको मैं डिस्क्राइब करूंगा कि क्यों हम बीमार हो रहे हैं और किस तरीके से DXN का गैनोडोमा या DXN के प्रोडक्ट हमारी हेल्थ अच्छी रख सकते हैं, हमें बीमारी से दूर रख सकते हैं। तो पहले अगर हमें ये समझना है कि हम बीमार क्यों हो रहे हैं, हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि हमारे जो बॉडी, जो आज हम, आप जीते जागते जो इंसान आप खड़े हो, आदमी हो या औरत हो, आप जो भी हो, आप सेल का एक बंडल हो, किस तरीके से आपका दुनिया में आना हुआ, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपको गैनोडोमा समझ में आए, DXN के प्रोडक्ट आपके समझ में आना चाहिए। तो जब हम ये देखते हैं कि जब मदर की एक सेल और फादर की एक सेल, जब मां और बाप का मिलन होता है, तो एक सेल यानी मदर की एक सेल आती है, फादर की एक सेल आती है, ये दोनों सेल को जब यूनाइट होते हैं तो एक सेल बनती है जिसको बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट इसको बोलते हैं, या बेबी सेल हम इसको बोलते हैं। ये एक सेल से जो है हमारा क्रिएशन स्टार्ट होता है, हमारी बॉडी का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। तो ये सेल्स जब आगे जाके मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं, है ना, ये मल्टीप्लाई होने स्टार्ट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं टिश्यूज। और ये टिश्यू जब आगे बढ़ता है तो हमारी बॉडी के ऑर्गन बनने स्टार्ट होते हैं। अब ऑर्गन्स की जब हम बात करते हैं, तो हमारा स्किन जो है वो एक ऑर्गन है, हमारी आंख जो है वो एक ऑर्गन है, हमारे बाल एक ऑर्गन है, हमारे नाखून एक ऑर्गन है, हमारा हार्ट एक ऑर्गन है, हमारा जो है लंग्स एक ऑर्गन है, हमारे किडनी ऑर्गन है, हमारे बोन्स ऑर्गन है, कि ऐसे हमारे बॉडी में कई ऑर्गन्स जो है ये बनते हैं, और हर ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है, ठीक है। पर आता ये सेल से ही है, सेल से ये टिश्यूज बनते हैं, और टिश्यूज जो है वो अलग अलग ऑर्गन, जिस ऑर्गन का जिस तरीके का काम होता है, उस टाइप के उसके अंदर जो है टिश्यूज अपना कंस्ट्रक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये ऑर्गन जब यूनाइट होते हैं तो हमारे बॉडी के सिस्टम बनना स्टार्ट होते हैं। अब सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो सिस्टम होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सांस लेते हैं, और सांस हम लेते हैं इस तरीके से, जो इतने से एक सेकंड या दो सेकंड के काम के अंदर जो हमने सांस ली अंदर और सांस हमने बाहर छोड़ी, इस ड्यूरेशन में क्या क्या होता है। हम जब सांस लेते हैं तो नाक से लेकर ये हमारे लंग्स में जाता है, लंग्स में जाने के बाद ये हार्ट में जाता है, और हार्ट में जो है जो फ्रेश ब्लड होता है, उस ब्लड के साथ में ये न्यूट्रिशन के साथ में ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी के हर एक ब्लड वेसल्स जो हम बोलते हैं उसके थ्रू जाकर कैपिलरीज में जाता है, और हर एक सेल को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और उसी सेल्स में से ये ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड रिवर्स आता है, और यही चीज जो है प्रोसेस लंग्स तक आता है, और फिर हमारे नाक से इस चीज को बाहर निकाला जाता है। इतना सारा काम ये एक हमारा सिस्टम करता है, और हमें खाली क्या पता चलता है, उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जो है ब्लड एक्सचेंज भी होता है, लिम्फेटिक सिस्टम्स भी होते हैं। उसी तरीके से हम जब खाना खाते हैं तो हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, तो ऐसे करके हमारे बॉडी में कई सिस्टम्स हैं, वो सिस्टम जब फंक्शन करते हैं तो हमारी बॉडी तैयार होती है। और बॉडी जो है, जो हम आज अपने आप को आईने में देखते हैं, या हम जो अपने आप को देखते हैं, इस चीज को बॉडी बोलते हैं। पर ये बॉडी जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक सेल्स का बंडल है, ये एक सेल्स का बंडल है, एक कलेक्शन है, जो आज बॉडी बन के हमारे सामने नजर आती है। अब क्या होता है कि हम जैसे ऐसे हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन जमा होते हैं, बॉडी हमारी जो है हवा पानी खाने के जरिए से जो टॉक्सिन हमारे बॉडी में आ रहे हैं, उसके वजह से जो है हमारी सेल्स में टॉक्सिन जमा होने लगता है। तो अब ये जो सेल है हमारी, ये किडनी की भी हो सकती है, ये लिवर की भी हो सकती है, ये पैनक्रिया की भी हो सकती है, ये ब्रेन की भी हो सकती है,
ये हमारी स्किन की भी हो सकती है। तो जिस सेल के अंदर, जिस ऑर्गन की सेल में डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, उस ऑर्गन से रिलेटेड बीमारियां हमें होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्यों होता है, इसके ऊपर हम थोड़ा आगे देखेंगे और किस तरीके से डीएक्सएन का गैनोडर्मा या डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी को बेहतर बनाने में या बीमारी से प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं वो देखते हैं। अब ये बात आप समझ लीजिए कि हमारे बॉडी में अरबों खरबों सेल, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में है। अगर मैं उन सारी सेल्स में से एक सेल को निकालता हूं, ताकि आप ये समझ लीजिए कि एक सेल को अगर मैंने निकाला, तो जितनी बॉडी की हमारी सेल्स होती है वो सारी सेल्स एक जैसे काम करती है। जैसे हमारे जो बॉडी का बेसिक यूनिट होता है वो सेल होता है, ठीक है, वो सेल्स सारे बॉडी के सेल्स एक जैसे ही काम करते हैं, बट वो जब किसी ऑर्गन में वो काम करते हैं तो उस ऑर्गन के फंक्शनैलिटी के हिसाब से वो सेल्स काम करना स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी किडनी होती है, किडनी का काम क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी ब्लड है, ब्लड के साथ जो अनवांटेड, जो जैसे हम यूरिन बोलते हैं, अनवांटेड जो यूरिक एसिड हो गया, अनवांटेड जो हमारे बॉडी के अंदर पानी जमा होता है, उसको ये फिल्टर करने का काम करती है, जो पेशाब के जरिए से या यूरिनेशन के जरिए से हमारी बॉडी में से निकल जाता है। तो ये जो किडनी के सेल्स है और लिवर के सेल्स है, इंडिविजुअली उनका काम एक जैसा होता है, बट जब ऑर्गन में वो काम करते हैं, ऑर्गन स्पेसिफिक जब वो काम करते हैं, तो उनका एक दूसरे के साथ एक ऑर्केस्ट्रा जैसा काम होता है, जो एक दूसरे के साथ मिलकर उस ऑर्गन की फंक्शनैलिटी को वो हेल्प करते हैं। तो यहां पर आप देख लीजिए कि हमारी बॉडी के अंदर अगर एक सेल हम निकाल देते हैं, तो इस सेल को काम करने के लिए न्यूट्रिशन प्लस ऑक्सीजन की हमको जरूरत पड़ती है, ताकि ये सेल अपना काम करे। और जब सेल अपना काम खुद करने लग जाएगा, तो अपने आप वो ऑर्गन भी काम करेगा, वो सिस्टम भी काम करेगा और बॉडी भी काम करेगी। तो ये न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जो है वो हमें कहां से मिलता है, ये समझना बहुत जरूरी है। जो हम एयर लेते हैं, ये एयर से हमको मिलता है, फिर ये पानी से हमको मिलता है, उसके बाद में ये फूड से हमको मिलता है। तो आज की तारीख में हमें जिंदा रहने के लिए किन चीजों की जरूरत है, हवा, पानी और खाना, ये तो हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए, बराबर। पर हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें अच्छी हवा चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, रेस्ट चाहिए और एक्सरसाइज चाहिए। ये सारी चीजें हमें चाहिए ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे, फिट रहे, बीमारी से बची रहे या बीमारी के बिना रहे। तो अच्छी हवा, आज की तारीख में आप मुझे बताइए कि क्या हमें अच्छी हवा मिल रही है। आज की तारीख में आप कहीं भी चले जाओ, आपको अच्छी हवा नहीं मिल रही। अगर आप हिमाचल में जाके बैठे हो तो अलग बात है, पर क्या आप हिमाचल के माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाकर आप जिंदगी बिता सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आज हवा कहीं भी अच्छी नहीं है, इतने कीटाणु है हवा के अंदर कि आज डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, इतनी सारी चीजें, इतने बैक्टीरिया, इतने वायरसेस आज हवा के अंदर है कि आज डॉक्टर्स डरे हुए हैं। अभी एक निपा वायरस करके आ गया है, उससे लोग डरे हुए हैं। तो ये चीज है कि लोग मास्क पहन के, हर चीजों के लिए आप मास्क पहन के नहीं घूम सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर ऐसी कोई चीज डालनी पड़ेगी जो इंटरनल मास्क का काम करे और आपको ये वायरस से बचाकर रखे। उसके अलावा क्या है, अच्छा पानी हमको चाहिए। क्या हमें अच्छा पानी आज की तारीख में मिल रहा है? आज की तारीख में पहले लोग बिस्लरी बिस्लरी बोलते थे, पहले लोग पानी की बात करते थे, आज करोड़ों अरबों का मार्केट है पानी का। पर आज की तारीख में मिनरल वाटर छोड़ के आज लिखकर आ रहा है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, यानी वो पानी भी आज स्वस्थ नहीं है या मिनरल से भरा नहीं है। पानी जो है आज की तारीख में सही नहीं है। उसके बाद हम खाने की बात करते हैं, इसमें तो कोई बहस करने वाली बात नहीं है, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं हम घर का खाना खाते हैं। पर आपको पता है कि जो घर का खाना आपके पास आ रहा है, क्या वो अच्छा है? आज की तारीख में जो घर में रोटी बनती है, चावल बनता है, आज भी उसके अंदर वो केमिकल्स पाए जाते हैं जो उसको उगाने के लिए जो है जमीन में डाला जाता है। और दूसरी चीज, आज इतने केमिकल्स जो है जमीन में डाले जा रहे हैं क्योंकि डिमांड पूरी करनी होती है, क्योंकि उतने हमें उतना ज्यादा क्वांटिटी में उगाना होता है, इसलिए जो है
ऐसी ऐसी केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं कि जो 2-3 महीना लेने वाले हैं उगने के लिए, वो आज 2-3 हफ्ते के अंदर उग रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या उस 2-3 हफ्ते के उगने में वही न्यूट्रिशन आएगा जो 2-3 महीने के अंदर आने वाला था? नहीं। तो आज हम खाना खा रहे हैं, बिना न्यूट्रिशन का खाना खा रहे हैं और केमिकल प्लस वाला खाना खा रहे हैं, प्लस उसके साथ आज जेनेटिकली मॉडिफाइड खाना खा रहे हैं। आज आप देखिए, खुद आप मार्केट में आज जाके देखिए कि आज अंगूर के साइज के भी एप्पल मिल रहे हैं और तरबूज के साइज के भी एप्पल मिल रहे हैं। यानी इंजेक्शन मार मार के जमीन को डिस्ट्रॉय कर करके अलग अलग तरीके के जो है फल फ्रूट वेजिटेबल्स उगाए जा रहे हैं और वही चीज हम खाते हैं। मार्केट में आप जाते हैं, मार्केट में जाने के बाद में हम पूछते हैं, जो आप भाजी खरीदने जाते हो तो भाजी खरीदने के लिए आप पूछते हो ना, ताजा है क्या, फ्रेश मुझे देना। मुझे आप बताइए, महीना महीना भर लगता है उसको हार्वेस्ट होकर आपके बाजार में आने तक के लिए। तो आप मुझे बताइए कि 10 दिन या 12 दिन भी अगर उस चीज को लगता है, तो क्या 10 दिन 12 दिन पुराना वाला जो आप भाजी खा रहे हो एसी में जो आया है यहाँ तक, क्या वो फ्रेश रहेगा? तो आप खुद सोचिए कि किस तरीके के फूड या किस तरीके का माहौल आज की तारीख में बन गया है। और आज की तारीख में किसान भी ऐसे हो गए हैं कि उन लोग आजकल जो है केमिकल डालना ही उनको पड़ता है, फर्टिलाइजर्स उनको डालने पड़ते हैं ताकि वो डिमांड को पूरी कर पाए। तो आज की तारीख में खाना भी हमारा सही नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड की हम बात करते हैं, जब पॉजिटिव एटीट्यूड की जब बात करते हैं, तो आप किसी के बारे में अच्छा सोच पाते हो, किसी के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हो? हम हर बार ये सोचते हैं, कोई आदमी अगर हमारे सामने खुश नजर आ जाता है तो हमें टेंशन हो जाती है कि ये खुश क्यों है। आज का ये सबसे बड़ा मसला है कि दूसरा खुश है तो हमको तकलीफ होती है, हमें दुख मिलता है, दूसरा दुख में है तो हमें खुशी मिलती है। आज का इस तरीके का माहौल हो गया है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। आप किसी के बारे में अच्छा जब नहीं सोचोगे तो आपकी बॉडी भी आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेगी। तो इस तरीके से जो है पॉजिटिव एटीट्यूड का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके साथ में रेस्ट की हम बात करते हैं, क्या आज आराम करने के लिए हमारे पास टाइम है? आज आराम करने के लिए टाइम नहीं है, लोग इतने बिजी हो चुके हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम भी है तो या तो यूट्यूब पे है या तो टीवी देखते बैठते हैं। जब तक वो रात को नहीं सोएंगे हमें नींद नहीं आएगी। दूसरी चीज, आज लोग मेडिसिन, आजकल लोग स्लीपिंग पिल्स खा के सोना चालू कर दिए हैं क्योंकि उन्हें नींद नहीं आती, स्ट्रेस इतना हो गया है कि नींद नहीं आती है। तो अच्छी नींद पूरी नहीं होगी, 6-8 घंटे की नींद अगर आप नहीं ले पाओगे तो आपकी बॉडी किस तरीके से फंक्शन करेगी? बहुत सारे प्रॉब्लम, सिर्फ अच्छी नींद अगर आपको मिलती है तो बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन्स, बहुत सारे बॉडी के सिस्टम्स इतने अच्छे से काम कर लेंगे अगर उनको अच्छी नींद मिली। क्योंकि आप खुद सोचकर देखिए, जब आप रात को सोते हो, सोने के बाद जब सुबह उठते हो तो आपको फ्रेश फील होता है क्योंकि आपकी बॉडी ने उतना ऑक्सीजन अब्सॉर्ब किया है, आपके बॉडी को उतना रेस्ट मिला है, आपके ऑर्गन्स को उतना रेस्ट मिला है। पर अगर आप बार बार देखते रहोगे, कंटिन्यूसली आप जो है वीडियोस देखोगे या आप अपनी लाइफ को बिजी रखोगे, खाना बराबर नहीं खाओगे, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आने ही वाले हैं। उसके अलावा जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, आज एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम योगा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर क्या सब योगा कर पा रहे हैं? क्या सब वॉक कर पा रहे हैं? क्या सब जिम जा पा रहे हैं? पहले हम वॉक की बात करते थे कि रास्ते हमको खाली मिलते थे, हमको गार्डन में जगह मिलती थी, पर आज की तारीख में इतना हो गया है। तो पहले के लोग चल फिर कर अपनी बॉडी को हेल्दी रखते थे, मोटरसाइकिल्स नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी। लाइफस्टाइल आज जितनी इजी होती जा रही है उतने लोग लेजी होते जा रहे हैं, एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि ये सारी चीजें जो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद है वो हम नहीं कर पा रहे हैं। ये तो हो गया जो अच्छा है, जो हमारे लिए अच्छा है पर हम उसको कर नहीं पा रहे। अब थोड़े नेगेटिव्स पे जाते हैं कि क्या क्या चीजें एडवर्स इफेक्ट हमारी बॉडी पे कर रही है, क्या क्या चीजें हमें ऐसी मिल रही है जो हमें हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। सबसे पहला है स्ट्रेस, उसके अलावा है वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, उसके अलावा है लाइफस्टाइल, उसके अलावा है मॉडर्न मेडिसिन, उसके अलावा है पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन। ये सारी चीजें जो आपके काम की नहीं है वो आपके बॉडी में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल हम स्ट्रेस की बात करते हैं, आज 70-80% बीमारी की वजह स्ट्रेस है। आज ऐसा कोई भी नहीं है जो ये बोल सकता है कि मुझे स्ट्रेस नहीं है। लोग ये स्ट्रेस से भागने के लिए अल्कोहल कंज्यूम करते हैं,
स्ट्रेस से भागने के लिए ड्रग्स यूज कर रहे हैं। आज इतना प्रॉब्लम हो गया है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये घड़ी के सेकंड्स के कांटे की जैसा बढ़ता है। और जितना ये बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता जाएगा उतना आपको बीमारियां ज्यादा होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए वो आजकल नई बीमारियां आ गई है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज, यानी कुछ टाइम पहले उन्हें जो है डायबिटीज नहीं था पर टेंशन इतना ज्यादा हो गया कि उसने कन्वर्ट कर लिया उसको एज डायबिटीज। तो ये सारे है, स्ट्रेस से जो है ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेस से हमारे ऑर्गन फेल भी हो सकते हैं, स्ट्रेस से जो है हमारा ब्रेन काम करना कम कर देता है। तो ये जो है फ्री रेडिकल्स जो पैदा होता है हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके साथ में वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इसका तो मैं आपको बताया निपा वायरस है, बैक्टीरियाज है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है। तो ये सारी चीजें आने वाले टाइम में बढ़ती जा रही है, बढ़ती नहीं है एक्चुअली, हमारे आसपास है। पहले हमारी बॉडी इससे फाइट कर रही थी, आज हमारी बॉडी फाइट नहीं कर पा रही है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इतनी गिर गई है। जो खाना हम खा रहे हैं, जो हवा हम ले रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, ये सारी चीजों के वजह से, स्ट्रेस के वजह से हमारी बॉडी आज परफॉर्म नहीं कर पा रही है, आज हमारी बॉडी फाइट नहीं कर पा रही है ये सारे वायरसेस के साथ। तो यानी ये जो नहीं चाहिए वो हमको मिलता जा रहा है, प्लस प्लस में जाता जा रहा है। लाइफस्टाइल की जब हम बात करते हैं तो लाइफ उसमें गायब है, सिर्फ स्टाइल है। आज लोग अच्छी गाड़ी में घूमना पसंद करते हैं, अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, पर आप खुद सोचकर देखिए जो बंदा उस गाड़ी को चलाने वाला है, जो बंदा वो कपड़े पहनने वाला है, उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। सिर्फ स्टाइल में अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, जिससे हम अपने बॉडी को क्या चाहिए, हमारे हार्ट को क्या न्यूट्रिशन चाहिए, हमारे लंग्स को क्या न्यूट्रिशन चाहिए, हमारे किडनी को क्या चाहिए, हमारे मसल्स को क्या चाहिए, हम इसके बारे में सोचते नहीं है। हमको लगता है कि कभी हम बीमार होने वाले नहीं है, बट आई एम सॉरी टू से आने वाले टाइम में WHO ने भी ये बोला है कि आज आने वाले टाइम में बीमारियां बढ़ती जाएगी और एक ऐसा भी वक्त आएगा कि एंटीबायोटिक्स बॉडी पे काम नहीं करने वाले हैं। तो यानी कंडीशन इतनी, आप खुद सोच के देखिए कि आपने करोड़ों कमाया, आज लोग बीमारी को एज अ जोक ले रहे हैं। डायबिटीज आज एक ग्रुप बन गया है डायबिटीज का, कि हम सब डायबिटीज वाले हैं, क्या करना है, आप हमको बिना मीठा वाला खाना दे दो, हम सब ब्लड प्रेशर वाले हैं, हमको बिना नमक का खाना दे दो। इस तरीके से अगर ये मेंटालिटी अगर रहेगी तो आप अच्छी लाइफ कैसे जी पाओगे? आप करोड़ों कमा लोगे पर फायदा क्या है इसी लाइफ का? तो यानी यहां पर क्या चाहिए हमें, लाइफ के बारे में सोचना है, अपनी हेल्थ को अच्छा रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि अगर हमें ये चीज से फायदा होता है तो हमें और लोगों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। अच्छी चीज को दुनिया तक, बुरी चीज हम हर चीज को व्हाट्सएप कर देते हैं, यूट्यूब कर देते हैं, फेसबुक कर देते हैं, इंस्टाग्राम कर देते हैं, हर चीज हम करते हैं। बुरी चीज को जैसे हमको मिला हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, पर अच्छी चीज को हम आगे फॉरवर्ड नहीं करते, जिससे लोगों की लाइफ में कुछ चेंज हो सकता है, उनकी हेल्थ बेटर हो सकती है। कुछ लोग ऐसे भी है जो बीमार बैठे हैं, उन्हें कुछ हल नहीं मिल रहा है, पर अगर ये एक हल के तौर पर अगर किसी के पास पहुंच जाता है तो कितनी अच्छी बात है। अगर आपकी वजह से किसी की हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो आपको दुआ देगा, पैसे से दुआ खरीदी नहीं जा सकती है, किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे तो दुआएं मिलेगी। तो यानी आप ये देखिए कि लाइफस्टाइल बुरी होती जा रही है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। मेडिसिन की जब हम बात करते हैं, आज की तारीख में दवाइयों के साइड इफेक्ट्स है। एक बच्चे से बच्चे को मालूम है कि इस दवाइयों के साइड इफेक्ट है और उसे बड़े मजे से लोग यूज करते हैं, हम उसको ले लेते हैं बिना पूछे बिना कुछ जाने, हम वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, हमारे आगे जाकर किडनी फेल होती है, लिवर फेल होता है ना, आगे जाके दूसरी बीमारियां हमारी पैदा होती है। उसके अलावा पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन की हम बात करते हैं, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, कंस्ट्रक्शन के नाम पर खड्डे खोदे जा रहे हैं, ये धूल मिट्टी जो होती है कहां जा रही है, हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है और हमारे बॉडी के अंदर जाके ये डिस्ट्रक्शन पैदा कर रहा है, हमारी बॉडी को अंदर से काम करने नहीं दे रहा है। तो आप खुद सोचकर देखिए ये जो चीजें हैं जो हमारी बॉडी के लिए नहीं चाहिए वो हमें डबल ट्रिपल मिलती जा रही है। तो आप मुझे बताइए कि अगर इस कंडीशन में अगर हम आज है तो आने वाले टाइम में ये कंडीशन बढ़ेगी या कम होने वाली है, ये प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है या कम होने वाली है? ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है। तो जब प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी तो आज नहीं तो कल हम एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है बीमारी के। और बीमारी होने के बाद में क्या होता है, ब्लड प्रेशर हुआ तो डॉक्टर बोलता है गोली खा, खाते खाते ऊपर जा। डायबिटीज हुआ तो डॉक्टर बोलता है गोली खा, खाते खाते ऊपर जा। हार्ट का प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर बोलता है गोली खा, खाते खाते ऊपर जा। आप मुझे बताइए कि क्या हम दुनिया में गोलियां खाने आए हैं? ये स्टेटिस्टिक्स है, ये आप खुद जाकर देखिए, कंडीशंस बढ़ती जा रही है। आज इंडिया जो है डायबिटीज का वर्ल्ड कैपिटल हो गया है, ये कंडीशन हमारी और खराब होती जा रही है। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स जब हमारे सामने हैं
तो ये सारी चीजें क्या करने वाली है, ये सारे जो टॉक्सिन्स है, इस चीज को हम टॉक्सिन्स बोलते हैं, ये टॉक्सिन जाके हमारे सेल्स में जमा होने स्टार्ट होते हैं। तो ये जब टॉक्सिन हमारे सेल्स में जमा हो गए तो जो 100% पे हमारी सेल काम कर रही थी वो धीरे धीरे 80 पर आएगी, फिर वो 60 पे आएगी, फिर वो 40 पे आएगी और ये कम होती जाएगी। और जितना हमारी सेल्स काम करना कम करेंगे उतना हमारे टिश्यूज काम करना कम करेंगे, उतने ऑर्गन्स काम करना कम करेंगे, सिस्टम काम करेगा कम और बॉडी कम काम करने लगेगी। और धीरे धीरे क्या होगा कि जिस ऑर्गन में सबसे ज्यादा टॉक्सिन लोड होना स्टार्ट हो जाएगा उसकी परफॉर्मेंस गिरने लगेगी। तो जब परफॉर्मेंस गिरने लगेगी तो उस ऑर्गन से रिलेटेड बीमारियां होनी स्टार्ट होने लगती है। तो अब इतने सारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, ये हमने खुद इन्वाइट किया है, हमारे बॉडी के अंदर ऐसी चीजें डाल के, ऐसी चीजों को करके हमने ये प्रॉब्लम क्रिएट किया। आप मुझे बताइए कि ये प्रॉब्लम आगे बढ़ रहा है और किस किस चीजों से आप बचोगे। आप हवा से बच सकते हो, पानी से बच सकते हो, खाना खाना बंद कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। हम लोग सिर्फ ये लोगों को बोलते हैं कि आप खुद समझ के देखिए कि अगर मुझे, अगर मेरे शहर में दंगा हो रहा है और 100 लोग, 2 जन लड़ाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लड़ाई बोलते हैं। पर अगर 100 लोग मारने के लिए आ रहे हैं उसको दंगा बोलते हैं। और जब दंगा होता है तो अकलमंद आदमी क्या करता है, जाके कोनी देखता है और चुप जाता है। और उसी जगह पे अगर हमारे पास एक AK-47 या AK-56 है तो हम उसको चलाना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर जब गोली खत्म हो जाएगी तो क्या करेंगे, गोली खत्म अगर हो गई तो हमें फिर रिलोड करना पड़ेगा। तो आज हमारे लिए हमें एक ऐसा AK-47 या AK-56 चाहिए, या ऐसा हमें एक ढाल चाहिए, एक सुरक्षा कवच चाहिए जो हमें इन सारी तकलीफों से बचा कर रखे। तो इन सारे तकलीफों से बचाने के लिए हमारे पास एक ही सोल्यूशन है, वो है DXN का गैनोडर्मा। आप इसके बारे में और रिसर्च कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, पर मैं आपको एक बेसिक लेवल पे ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ये गैनोडर्मा किस तरीके से काम करता है। गैनोडर्मा का जो फ्रूट का पार्ट है वो फ्रूट पार्ट से RG कैप्सूल बनती है और उसके रूट के पार्ट से GL कैप्सूल बनता है। दोनों का फंक्शन थोड़ा सा अलग है, दोनों का फंक्शन थोड़ा सा अलग है, इस वजह से इन दोनों को अलग कैप्सूल में रखा गया है। तो ये मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरीके से गैनोडर्मा हमें फायदा दे सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया RG और GL, ये फ्रूट के भाग से बनता है, ये रूट के भाग से बनता है। तो ये जो RG है ये क्या करता है, हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, ठीक है, ये RG का काम है। और GL का काम क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर या सेल्स के अंदर टॉक्सिन जाने से रोकता है। तो जब टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे तो क्या होगा कि हमारी जो सेल है वो साफ हो जाएगी। तो जब सेल साफ हो जाएगी तो जो 40 पे काम करने वाली 60 पे आएगी, 60 से 80 पे आएगी, 80 से 100% पे जो हमारी सेल्स दोबारा काम करने लग जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो उस ऑर्गन से रिलेटेड बीमारियां हैं वो निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। और उसी तरीके से GL का काम क्या है, जो हमारी सेल है उस सेल के मेम्ब्रेन, यानी ये समझ लो कि आपका सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अगर मान लो आपकी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग जो सोसाइटी है आपकी, उसका वॉचमैन जो है खली है। अगर खली जैसे कि आपने अगर वॉचमैन रख लिया तो मुझे बताइए कि अगर चोर आएगा तो खली क्या करेगा, उठा के उसको फेंक देगा। एक चोर आएगा फेंक देगा, दो चोर आएंगे फेंक देगा, 10 चोर भी अगर आ गए तो उठा के फेंक देगा, पर अगर 100 चोर आ गए तो वो खली को उठाकर फेंक देंगे। तो आप खुद सोचकर देखिए, जब आज हमारी बॉडी पहले फाइट कर रही थी, टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रही थी रोज के तौर पर क्योंकि टॉक्सिन लोड इतना ज्यादा हो गया, इतने तरीकों से टॉक्सिन हमारी बॉडी में आना स्टार्ट हो गया कि हमारी बॉडी फाइट नहीं कर पा रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, RGGL क्या करता है, हमारे बॉडी के टॉक्सिन को बाहर निकालता है। उसके साथ में GL क्या करता है, एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, टॉक्सिन्स को अंदर सेल्स में अंदर आने से रोकता है, अनवांटेड चीजों को बाहर निकालता है। तो यानी आप एक चीज को समझ के चलिए कि जो DXN के प्रोडक्ट्स आप यूज करोगे, ये DXN के प्रोडक्ट आप समझ लीजिए कि एक तरीके से ये आपके घर में काम करने वाली बाई जैसा है। जो काम करने वाली बाई आपके घर में आती है वो रोज झाड़ू पोछा मारती है, रोज साफ सफाई करती है, उसको आप पगार देते हो। उसी तरीके से DXN के RGGL को आप पगार दे रहे हो, ये आपकी बॉडी को जाके साफ करेगी, बॉडी के अंदर से टॉक्सिन बाहर निकालेगी। तो जब टॉक्सिन रोज आपकी बॉडी से निकलता रहेगा तो कहीं पे कुछ पाइलअप नहीं होगा। तो जब पाइलअप नहीं होगा, ये गंदगी जब बॉडी में पाइलअप होती है, इसी से बीमारियां होनी स्टार्ट होती है। उसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं।
जब मलेरिया आ गया, समझो मान लो 100 लोगों को आपने एक रूम में रख लिया और उधर अपने मलेरिया के मच्छर को उसमें डाल दिया और सबको मच्छरों ने काटा, 50 लोगों को मलेरिया हो जाता है, 50 लोगों को मलेरिया नहीं होता। इसकी वजह क्या है? जो 50 लोग हैं उनकी इम्यूनिटी कम थी या उनके बीमारी से लड़ने की क्षमता या ताकत जिस्म की कम थी इसलिए उनको मलेरिया हो गया, और जिनके अंदर ताकत अच्छी थी उनको मलेरिया नहीं हुआ। तो यानी एक डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का होता है जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं। अगर इम्यून सिस्टम अच्छा काम करेगा तो बीमारी नहीं होगी। तो ये आप समझ के चलिए कि आप डीएक्सएन के जो प्रोडक्ट ले रहे हो वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, आपके बॉडी के रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएगी, आपके बॉडी के डॉक्टर को मजबूत करेगी। ये आज की तारीख में बहुत जरूरी है। अगर जिस्म का अंदर का डॉक्टर काम नहीं कर रहा है तो दुनिया का कोई डॉक्टर काम नहीं कर सकता। इसलिए आज इम्यूनिटी इम्यूनिटी पे बहुत बातें हो रही है। आज की तारीख में ये हमें लेना है। और आरजीजीएल की तौर पर अगर हम लेते हैं तो आपको मैं बताता हूँ, तो जो लोग हेल्दी है उन लोग आरजीजीएल ले सकते हैं अपनी बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए। 1 pair से लेकर 3 pairs तक अगर आप लेना चाहते हो तो एक मेंटेनेंस के लिए बहुत अच्छा जो है, क्योंकि ये मेडिसिन नहीं है तो डोज हम बोलेंगे नहीं, आप जितना इसको खा सकते हो उतना खाइए। तो अगर आप एक पैर या एक जोड़ी अगर आप आरजीजीएल की लेते हो 1 RG 1 GL तो आपको तकरीबन 20 से 25 रुपया पर डे का खर्चा आपको पड़ता है। आप मुझे बताइए कि जो एप्पल आप खाते हो बाहर से या मार्केट से फ्रूट लेकर आते हो तो ये सारे फ्रूट से आपको हेल्थ मिलती है क्या? सिर्फ हमें संतुष्टि मिलती है, हमें खुशी मिलती है कि हमने कुछ खा लिया। बट अगर ये सारी चीजें खाने के बाद भी अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो क्या फायदा है? तो आप उसके साथ में आरजीजीएल ले सकते हो। अगर आप 20 से 25 रुपया दिन में खर्चा कर सकते हो तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी और एक जोड़ी में आपको काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि आज की तारीख में मोर देन 200, वैसे रिसर्च में 400 से ज्यादा पाए गए हैं, बट हम मोर देन 200 एक्टिव एलिमेंट्स है जो आपकी बॉडी को फायदा देते हैं। और एक्टिव एलिमेंट्स की जब बात करते हैं तो आज दवाइयां जो मिलती है एक या दो एलिमेंट वाली जो दवाइयां होती है 6 रुपये से लेकर 12 रुपये की होती है, जो बहुत जेनरिक होती है, सस्ती भी होती है, बट एक एवरेज है 6 से 12 रुपया जो है एक से दो काम करने वाली दवाइयों का प्राइस होता है। अगर आप सोच लो कि 200 भी अगर मैं काउंट कर लूं तो एक आरजीजीएल कितना होना चाहिए? तो डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स महंगे नहीं है या आपको बहुत कम भाव में या बहुत कम दाम में मिल रहे हैं। उसके अलावा जो लोग सोचते हैं कि मैं इतना पैसा नहीं खर्चा कर सकता रोज का, तो आप कॉफी पीते हैं या नहीं पीते हैं? अगर आप कॉफी पीते हैं तो पर डे आपको 1 cup 8 rupees। नॉर्मली जब हम बाहर मार्केट में कॉफी पीने जाते हैं तो हमको 14, 15, 20, 25 रुपए की भी जो है आधी कप कॉफी मिलती है, वो भी थोड़ी सी। बट अगर आप ये कॉफी पीते हो, ये डीकैफिनेटेड कॉफी है, ये अगर आप उसके प्राइस को आप कंपेयर करने जाओगे तो स्टारबक्स की है, कैफे कॉफी डे है, आप वो क्वालिटी की कॉफी है, प्लस उसके साथ इसमें गैनोडर्मा है, तो गैनोडर्मा के 200 एक्टिव एलिमेंट्स आपको मिल रहा है जो आपकी बॉडी को बीमारी से बचा सकते हैं, बॉडी को बीमारी से बाहर निकाल सकते हैं। तो 8 rupees per cup मुझे नहीं लगता है कि महंगा है। अगर ये भी महंगा लगता है तो आप चाय ले सकते हो, 2 या 2.5 rupees per cup पड़ता है। आपको 1 gram चाहिए 1 cup बनाने के लिए, 250 gram की बोतल आती है 360 rupees की है, 360 या 350 rupees की है, तो आप वो ले सकते हो। तो आप मुझे बताइए कि ये भी महंगा है? अगर ये भी महंगा लगता है तो ये कोई दवाई तो है नहीं कि आपको इसको रोज खाना है, ऐसा तो है नहीं, तो आप इसको एक दिन छोड़ के भी खा सकते हो। अब इससे भी सस्ता अगर आपको चाहिए तो इसको मत खाइए, क्योंकि आपकी सेहत ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको इसको अच्छा रखना जरूरी है। ये था आज का प्रेजेंटेशन, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि आप जो है आरजीजीएल के तौर पर अपनी हेल्थ अच्छी रखते हो, कॉफी के तौर पर अपनी हेल्थ अच्छी रख सकते हो, चाय के तौर पर अपनी हेल्थ अच्छी रख सकते हो। बस आप फर्क सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आरजीजीएल का परसेंटेज, आरजी जो गैनोडर्मा है उसका परसेंटेज आरजीजीएल में ज्यादा है, कॉफी में थोड़ा कम है और उससे कम चाय के अंदर है। तो ये आप समझ लीजिए कि अगर मुझे यहां से दिल्ली जाना है, अगर मुझे यहां से दिल्ली जाना है तो मैं फ्लाइट से भी जा सकता हूं, तो अगर मैं फ्लाइट से जाऊंगा तो मुझे पैसा ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, टाइम कम लगेगा, तो वो आरजीजीएल है। अगर मुझे यहां से दिल्ली आना है, मैं बस या ट्रेन से जाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा? पैसा कम खर्चा करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लेगा, तो वो कॉफी है हमारा, कोकोसी है। उसकी जगह पे अगर हम चाय की बात करते हैं तो यहां से मैं साइकिल से भी जा सकता हूं, पर उस साइकिल पे अगर मोटर लगा दिया, मोटर लगाने का मतलब क्या है, ज्यादा अगर पीना चालू करूं
यानी मुझे जल्द से जल्द उससे फायदा मिल सकता है। और बहुत सारे लोग सिर्फ चाय पीकर भी उनको फायदा मिला है। तो ये आप किसी भी प्रोडक्ट से जो है आप अपनी हेल्थ को अच्छी रख सकते हो। और जैसे मैंने बताया, मुझे अच्छा लगा, मैं और लोगों को बताऊंगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो इस इन्फॉर्मेशन को आप लोगों के साथ जरूर शेयर करिए, आगे इसको जाने दीजिए, लोगों को पता लगने दीजिए कि वाकई में डीएक्सएन के प्रोडक्ट हमें अच्छी हेल्थ देते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ फायदा मिला है। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन प्रोडक्ट्स को जरूर स्टार्ट करिए। और अगर आप डीएक्सएन में ज्वाइन नहीं हो और आपको ये प्रोडक्ट यूज करना है तो आप ज्वाइन भी हो सकते हो, या बिना ज्वाइनिंग के आप एमआरपी पे प्रोडक्ट ले सकते हो। अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको डिस्काउंट रेट पे मिलेगा। तो मुझसे कॉन्टैक्ट जरूर करिए, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और अपनी हेल्थ को अच्छी रख सकते हो। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।